सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैं विशाल सोनी एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ पर एक और बात कहना चाहूंगा, मेरा एक और यूट्यूब चैनल है सोनी जे पामिस्ट्री, करके हस्तरेखा से संबंधित मैं वीडियोस उस पर डालता हूँ। अगर आपको हस्तरेखा से संबंधित वीडियोस पसंद आती है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही उसको आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आज संडे है और आज हम बात करेंगे फ्री कुंडली एनालिसिस के। आज की जो कुंडली सेलेक्ट हुई है वो ही है तेजराज सिंह सिसोदिया की, और यहाँ पर उन्होंने जो डिटेल्स भेजी है वो आपको मैं बता दूंगा आगे। उनके जो क्वेश्चन है वो है इनकम सोर्स रिलेटेड और उनके बिजनेस से रिलेटेड। उन्होंने जो सवाल पूछे हैं आय से रिलेटेड और उनको क्या व्यापार, क्या नौकरी, क्या करना चाहिए, इससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछे। अगर आप भी आपकी कुंडली का फ्री एनालिसिस करवाना चाहते हो तो रविवार के दिन आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और रविवार के दिन जब भी आपकी कुंडली का सिलेक्शन होगा, मेरे पास डेली 100-150 कुंडलियां आती है, उनमें से मैं एक कुंडली का सिलेक्शन कर लेता हूँ और उसकी वीडियो संडे के दिन अपलोड कर लेता हूँ जो फ्री कुंडली होती है। और अगर आप फास्टेड आपकी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं बिना विलंब के, तो आप 500 रुपीज फीस जमा करवा कर आपकी कुंडली का एनालिसिस करवा सकते हैं। और अगर आप फ्री में करवाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, जब भी आपकी आपकी कुंडली का नंबर आएगा, जब भी आपकी कुंडली सेलेक्ट होगी तब आपको मैसेज भेज दिया जाएगा और आपकी कुंडली का एनालिसिस की वीडियो आपको अपलोड करके लिंक भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों ये जो है तेज सिंह जी की कुंडली की हमने पूरी डिटेल भर दी है, 17/1993 8:38 इनका समय है सुबह का, और भिंडर जो है इनका जन्म स्थान बना है। और यहाँ पर हम आगे इनकी कुंडली देख लेते हैं, किस लग्न की कुंडली बन रही है, कैसे क्या है कुंडली की। अगर हम एनालिसिस में देखें तो यहाँ पर इनका जो लग्न है वो आ रहा है मकर लग्न, और मकर लग्न में शनि जो है वो लग्नेश होकर लग्न में ही विराजमान है। एक तो ये बन गया इनकी कुंडली का शश योग। सेकंड, यहाँ पर सूर्य भी साथ में विराजमान है, और सूर्य यहाँ पर जो स्वामी है वो है अष्टम घर के। अष्टम घर के स्वामी का आना लग्न में और लग्नेश के साथ युति करना, एक अलग युति बन गई लग्नेश और अष्टमेश की युति। सेकंड, यहाँ पर दूसरी जो युति बन रही है वो है सूर्य शनि की युति, जिसे हम कहते हैं मेहनत और संघर्ष का योग। तो यहाँ पर इन जातक के लिए, इस जातक के लिए जीवन में हर पहलू के लिए, हर चीज़ के लिए मेहनत थोड़ी ज़्यादा ही रहने वाली है औरों से। लेकिन यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, शनि का जो शश योग इनकी कुंडली में बन रहा है, ये इनको 34 ईयर्स या 36 ईयर्स के बाद जीवन में बहुत ज़बरदस्त तरक्की देने का योग बनाएगा, और इनको तरक्की भी मिलेगी, लेकिन उससे पहले इनको बहुत उतार चढ़ाव जिंदगी में देखने को मिलेंगे। सेकंड हाउस की अगर बात करें, जिसका स्वामी भी शनि ही है और वो तो लग्न में विराजमान है ही है, लेकिन सेकंड हाउस में यहाँ पर शुक्र विराजमान है। शुक्र है पंचमेश और दशम, तो दशम और पंचम का स्वामी आया है सेकंड हाउस में, तो यहाँ पर इस व्यक्ति के लिए व्यापार जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। बिजनेस इस व्यक्ति के लिए सही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिजनेस इसके लिए सही नहीं रहेगा। बात करें अगर कि यहाँ पर फोर्थ हाउस के जो स्वामी है मंगल, और यहाँ पर देखें तो इनकम सोर्स के जो स्वामी हैं वो भी मंगल ही बन रहे हैं। तो ये जो दोनों भाव के स्वामी हैं, मंगल आकर बैठे हैं सिक्स हाउस में, इस घर में सिक्स हाउस में जो मंगल बैठे हैं यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर ये जो मंगल है इनको बैंक से रिलेटेड, या हम कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट रिलेटेड जो बिजनेस होते हैं जिसमें इनको जॉब देगा, बिजनेस इसमें नहीं देगा इनको, लेकिन कॉर्पोरेट रिलेटेड, बैंक रिलेटेड, जो इन मतलब कि इंस्टॉलमेशन का जो कार्य होता है, ऋण से रिलेटेड जो कार्य होते हैं, कर्जे से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें होती है, किस्त जमा करने का कार्य, किस्त इंस्टॉलमेंट खरीद लेने का कार्य, एजेंट का कार्य, ये जो सारी चीज़ें होती है ये इनको यहाँ पर मंगल देने वाला होगा। यहीं पर अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो है वो बैठे हैं यहाँ पर भाग्य भाव में। अब यहाँ पर भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, जो स्वामी हैं एक तो तीसरे घर के, सेकंड एक स्वामी है 12th हाउस के। ये जो दोनों घर है रॉन्ग घर है, क्योंकि तीसरा घर होता है मेहनत का और 12वां घर होता है खर्चे का। तो भाग्य में आकर बैठ गए हैं देवगुरु बृहस्पति। तो एक तो खर्चे, दुर्घटनाएं इनके जीवन में लगी हुई रहेगी, मेहनत इनको जीवन में हर कार्य के लिए करनी ही पड़ेगी औरों से ज़्यादा,
आगे अगर हम बात करें यहाँ पर कि सेवंथ हाउस का जो स्वामी है वो है चंद्रमा, और वो बैठे हुए हैं टेंथ हाउस में। सेवंथ हाउस के ओनर का टेंथ हाउस में आना ये इंडिकेशन दे रहा है कि इनका जो जॉब होगा, इनका जो बिजनेस होगा, वो जो है ऐसी चीज़ों से रिलेटेड होगा जो डेली यूज़ होती होगी। अब डेली यूज़ का मतलब ये हो गया कि चंद्रमा जो है वो सवा दो दिन में अपनी दशा अंतरदशा चेंज कर लेता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो चंद्रमा ये व्यक्ति को डेली ऐसे कार्य देंगे जो, जैसे कि होटल बिजनेस हो गया, इसमें क्या होता है कि रोज का गल्ला होता है, रोज के बिजनेस होते हैं, रोज का कैलकुलेशन हो जाता है। इसी में अगर हम आगे बात करें तो जैसे दूध का जो डेली कंज्यूमेबल भी चीज़ है, दूध का बिजनेस हो गया, पानी का भी चल रहा है बिजनेस, पानी का बिजनेस भी हम कह सकते हैं। तो ये पर ऐसी चीज़ें जो होगी इनको ज़्यादा अट्रैक्शन करेगी। चंद्रमा से हम यहाँ पर सिल्वर वगैरह भी देखते हैं, चंद्रमा से यहाँ पर हम कपड़े का बिजनेस भी देखते हैं, ज्वेलरिंग का बिजनेस भी देखते हैं, क्रिएटिविटी का बिजनेस भी देखते हैं। लेकिन यहाँ पर इस व्यक्ति के लिए ऐसे बिजनेस अच्छे रहने वाले ही होंगे जिसमें इनको डेली वर्क करना होगा। ये जो व्यक्ति है जितना वर्क करेगा, जितना कार्य में, जितना काम में अपने को खुद को जोक के रखेगा, कार्य करेगा, उतना इसका भाग्य साथ देने वाला बनेगा। इसी में राहु की अगर हम बात कर ले, राहु जो है वो बैठे हैं वृश्चिक राशि में और केतु बैठे हैं वृष राशि में, तो ये दोनों का नीच राशिगत होने का योग बनता है। लेकिन राहु इनकम सोर्स में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव इनको ज़िंदगी में देंगे। क्यों? क्योंकि राहु जो है वो अचानक से कभी इनकम अच्छी कर देंगे, अचानक से कम कर देंगे, कभी अचानक से बंद भी हो जाए, अचानक से बढ़ भी जाए, इस प्रकार की इनकम इस व्यक्ति के रहेगी। लेकिन हाँ, ये एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एक वक्त ऐसा आएगा राहु का इनकम कि इनको राहु बहुत ही ज़बरदस्त इनकम सोर्स देंगे या अच्छे पैसा इनको प्राप्त होगा। केतु की अगर बात करें तो केतु पंचम हाउस में होने की वजह से यहाँ पर इनको वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, और उसमें भी इनकी प्रॉब्लम ये रहेगी कि ये जो है व्यक्ति पेट में दर्द इनके इस वजह से रहेगा कि ये कुछ ज़्यादा खा लेते हैं या कुछ वाटर रिलेटेड पानी वगैरह की वजह से भी इनको पेट में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बुध की अगर बात करें तो बुध जो है यहाँ पर स्वामी है, एक तो सिक्स्थ हाउस के और एक स्वामी है यहाँ पर नाइन्थ हाउस के, तो बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं ट्वेल्थ हाउस में, छठे और नवे भाग्य भाव के स्वामी और रोग ऋण शत्रु के स्वामी जाकर बैठे हैं विदेश योग में, दुर्घटना इनके योग में। तो यहाँ पर ये एक इंडिकेशन इनकी लाइफ का हो रहा है कि इनको खुद का विकास करने के लिए, खुद का भाग्य जागृत करने के लिए इनको हमेशा अपने जन्म स्थान से, पैतृक स्थान से दूर ही जाना पड़ेगा। कारण इसका यह है कि इनका जो भाग्य का स्वामी है वो बैठा है ट्वेल्थ हाउस में, और जो होता है विदेश यात्रा का, और यहाँ पर भी आगे देखें तो विदेश यात्रा का जो स्वामी है, जो ट्वेल्थ हाउस का स्वामी है गुरु, वो भी बैठा है वापस भाग्य भाव में। तो इनकी जो प्रतियुति बन रही है वापस भाव परिवर्तन का जो ये योग बन रहा है, इनको हमेशा अपने जन्म स्थान, पैतृक स्थान से दूर ले जाएगा, और वहाँ पर ही ये अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ये तो ये था इनका कुंडली का, हमने पूरा पढ़ लिया। अब इनका जो क्वेश्चन है इनकम सोर्स रिलेटेड, तो इनकम सोर्स रिलेटेड मैं यही कहना चाहूँगा कि राहु का यहाँ पर विराजमान होना और साथ ही इनकम सोर्स भाव के स्वामी का सिक्स हाउस रोग ऋण शत्रु के घर में जाना, यह इंडिकेशन देता है कि आपकी इनकम जो है कभी बढ़ती रहेगी तो कभी घटती रहेगी, एक जैसी इनकम आपकी नहीं रहने वाली है। खर्चों पे आप रोक नहीं लगा पाओगे क्योंकि आपके जो खर्चों का स्वामी है वो आपके भाग्य में आकर बैठे हुए हैं, तो भाग्य में ही आपके खर्चे लिखे हुए हैं। आप जितने खर्चे करोगे उतना आपको इनकम बढ़ने के योग यहाँ पर बढ़ सकते हैं। और देखें अगर यहाँ पर, तो इनकम का जो स्वामी है वो मंगल जो है वो सिक्स्थ हाउस में जाकर बैठे हैं, तो इनको बैंकिंग रिलेटेड सेक्टर में अच्छी एक यहाँ पर सक्सेस देने का कार्य मंगल यहाँ पर कर सकते हैं। अगर मंगल को देखा जाए तो मंगल यहाँ पर इनको बहुत ही अच्छा एक कह सकते हैं यहाँ पर कि सक्सेस देंगे अगर ये बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे तो, और इनको बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पर मिलेगी, इनका अच्छा भाग्य भी यहाँ पर खुल सकता है। सेकंड इनका क्वेश्चन था मेरिट से रिलेटेड, तो मेरिट से रिलेटेड देखने के लिए हम देखेंगे इनकी राशि में जो है
वो दशा किसकी चल रही है, तो शनि की दशा इनकी 2018 में खत्म हो चुकी थी, अब जो इनके चल रही है वो चल रही है बुध की दशा। और बुध में भी 29/1/2021 तक बुध का ही अंतर चलेगा बुध में ही, तो अभी जो है बुध प्रभावी बन रहे हैं, तो भाग्यश की दशा इनके चल रही है, लेकिन भाग्यश का स्वामी जो है वो जाकर बैठा है 12th हाउस में। यहाँ पर बुध जो है वो बैठे हैं 12th हाउस में, और 12th हाउस का बुध इनको स्वतः ही इनको विदेश यात्रा या ऐसी जगह लेकर जाएगा जो इनके पैतृक गांव से, पैतृक शहर से दूर हो, और यहाँ पर यह बुध करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 12th हाउस में बैठा वो भाग्य का स्वामी है, भाग्य की दशा भी चल रही है, तो इनका ज़्यादातर भाग्य जो है, इनका लक जो है, हम कह सकते हैं इनके जन्म स्थान से दूर है, अगर ये दूर जाकर वहाँ पर कार्य करते हैं तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। अब इनका सवाल ये रहेगा कि क्या ऐसा कार्य करें जिससे कि हम अच्छा पैसा वगैरह कमा सकते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मंगल जो है वो इनकम सोर्स का स्वामी है, को रोग ऋण शत्रु, यानी कि अब बैंकिंग सेक्टर में अगर जाए तो वो अच्छा रहेगा, अब बैंकिंग सेक्टर अगर ये चॉइस करते हैं तो बहुत ही अब बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत सी चीज़ें होती है, तो यहाँ पर अगर ये इंस्टॉलमेंट रिकवरी का जो वर्क होता है अगर वो भी करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर वो ना करें तो यहाँ पर अगर ऊपर जाकर हम लग्न में देखें तो लग्न में सबसे ज़्यादा किस ग्रह का प्रभाव इनके कुंडली पर पड़ रहा है, तो सूर्य और शनि का। शनि जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों का स्वामी होता है, तो बैंकिंग सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें जो होती है वो होती है कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ें होती है इसमें, तो यहाँ पर आप बैंकिंग सेक्टर में भी ऐसा कोई कार्य कर सकते हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड होता हो, वैसे आजकल सारे कार्य कंप्यूटर से रिलेटेड ही हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो उसी में ज़्यादातर करने होते हैं और उनके लिए अलग से पोस्टें निकलती है और उसमें आपकी भर्ती होती है, तो वो कार्य भी आप कर सकते हैं। सूर्य की यहाँ पर जो है वो भी अपने प्रभाव दे रहे हैं, तो सूर्य तो आप यहाँ पर गवर्नमेंट सर्विस के योग भी यहाँ पर सूर्य आपके बनाते हैं, सूर्य के ये जो योग है 36 के पहले पहले आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं देंगे, लेकिन आपको कोशिश करनी होगी कि सूर्य आपको अच्छा प्रभाव दे, इसके लिए आपको उपाय करने होंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य शनि की अच्छी युति बनी है, बैंकिंग सेक्टर में आपको गवर्नमेंट जॉब देने के योग यहाँ पर बन रहे हैं, तो यहाँ पर यह चीज़ अगर आप अच्छे से कार्य करते हैं, मन लगा कर कार्य करते हैं, सूर्य के उपाय करने के साथ ही आप कार्य करते हैं, तो आपको बैंकिंग सेक्टर में अच्छा सा एक जॉब मिल सकता है। शनि की अगर बात करें तो शनि का जो स्टोन है अगर आप यहाँ पर पहनते हैं तो शनि आपके अंदर अलग से एक बहुत खराब भावनाएं पैदा करेगा, आपको लोगों से दूर लेकर जाएगा, एकांतवास, एकांत प्रेमी बनाएगा, कुंठावास जिसे कहते हैं, मन में आत्मविश्वास की कमी, ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर शनि आपको प्रदान करेगा। शुक्र की अगर बात करें तो शुक्र जो है यहाँ पर आपके 5th हाउस और 10th हाउस के स्वामी हैं, तो यहाँ पर शुक्र का अगर आप जो होता है डायमंड जरकन वगैरह ये भी पहन के रखते हैं तो ये भी आपको बिजनेस से रिलेटेड अच्छी चीज़ें देगा, और बिजनेस से रिलेटेड ही अगर आप कोई अच्छी चीज़ पहनना चाहते हैं जो आपको पैसा ला कर दे, आपके जीवन में मनी को इंट्रीगेशन देवे और मनी आपके जीवन में अच्छा आए, तो आप यहाँ पर चंद्रमा का जो मोती है वो भी आप पहनते हैं तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, इसके अलावा कोई भी स्टोन आप पहनते हैं तो आपको बहुत ही बुरा प्रभाव यहाँ पर प्राप्त होने के योग। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।